बाबा जी, एक और सवाल था। जो सब्सक्राइबर है हमारे, आपके जो वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों ने पूछा था कि नवग्रह को शांत कैसे करना है। आसान कुछ उपाय ऐसा बताइए। किसी किसी की कुंडली में नवग्रह का दोष रहता है। देखिए, जब बीमारी है तब तो बीमारी का इलाज भी है। जब भगवान ने बीमारी नहीं बनाया है, बीमारी तो आदमी ने ही बनाया है। उस पटांग खाता है वो बीमारी हो जाती है, फिर भी भगवान इतना दयालु है कि उसका उपचार भी बताया है भगवान ने। हाँ रोग तो आदमी ने बनाया है, जी। मुसीबत आदमी ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। लोग कह देते हैं कि हमको भगवान ने सब दुख दे दिया, ये गलत बात है। जी जी भगवान किसी को दुख नहीं देता है, अन्य सुख देता है भगवान। भगवान सुख भी नहीं देता है, अच्छा। दुख भी नहीं देता है। जब उसकी पूजा करो भगवान की, तो तुमको कुछ देगा, नहीं हाँ क्यों देगा भाई फोकट में है? और ग्रहों का दोष ठीक करना है, जैसे नौ ग्रह आपने प्रश्न किया, तो उसमें सरल तरीका यही है कि इसमें थोड़ा तिल डाल दीजिए, स्नान करने वाले पानी अच्छा, में, जल या में। स्नान हाँ करिए, खोपड़ी डालिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा। और बेफे के दिन किस दिन हल्दी बाबा, डालना चाहिए, किस दिन? गुरुवार के दिन गुरुवार के दिन। अच्छा हल्दी डालो। अच्छा उस दिन तिल डालोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा तिल डालो स्नान करने में, तो वो हल्दी हल्दी। हाँ हल्दी डालो, हाँ और हल्दी से ही वहाँ छिटा दो घर में। घर की बला दूर करना है तो हल्दी पानी मिला कर छिटा दो, पोछा बेफेंक बात पोछा भी लगा सकते हैं हल्दी के पोखला पानी सकते से। हो। हाँ, हाँ तो उससे गरीबी दूर होती है, जो कला होता है कला खत्म होते हैं। क्योंकि अच्छा। ज्यादातर ये जो उपद्रव होते हैं वो गुरु के द्वारा होते हैं। अच्छा। सब ग्रहों का मालिक गुरु है, गुरु सब ग्रहों का गुरु गुरु है, तो अच्छा। इसलिए वो सबको प्रेरित कर सकता है। अच्छा भी है बुरा भी है, इसलिए गुरुवार के दिन बेफे के दिन हल्दी का पोसा देव, हल्दी से स्नान करो अच्छा पानी में डाल के, तो हाँ अपने आप ग्रह ठंडा हो जाता है। अच्छा। जब गुरु ठंडा हो जाएगा तो लक्ष्मी भी आएगी, गरीबी भी दूर होगी। हाँ बाबा, जो हल्दी का जल से स्नान करेंगे तो सिर में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो, उम्र अच्छा कोई वो नहीं। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद।